अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ऐसे ज़बरदस्त खीर की रेसिपी, जिसमें ना ही मैंने खोआ डाला है, ना मिल्क मेड और ना ही मिल्क पाउडर, पर फिर भी ये खीर बिल्कुल खोए जैसी बनके तैयार हुई है। बताती हूँ मैं आपको इसकी रेसिपी, वो भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप बारीक वाला चावल और जो खुशबूदार राइस है वो लेना आप, उसमें थोड़ा सा नारियल और 7-8 इलायचियाँ डालकर मैंने इसे पानी में भिगा दिया था। अब इसे पीस लेना है। एक गंज लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग घी। ये देसी घी है, घी बहुत ज़्यादा ना डालिए। फिर लौंग डालना है। लौंग जब थोड़ी क्रैकल हो जाए तब हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालें, लेकिन खजूर ज़रूर होना चाहिए उसमें। अब अच्छी तरह से इसे हमें भूनना है बिल्कुल लाइट कलर आने तक। उसके बाद इसमें डालना है 2 लीटर गाढ़ा दूध, फुल फैट वाला जो मिल्क आता है वो। अब इस दूध को चम्मच चलाते हुए पकाना है। पहले एक उबाल आने दें, उसके बाद इसे धीमी आँच में 20 मिनट के लिए पकने दें। उबाल आ चुका है, आँच को कम करके पकाएं। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसमें ये जो हमने चावल और नारियल और इलायची पीस कर रखी थी वो ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर से इसे उबाल आने तक पकाना है। अब इसमें डालना है शक्कर। शक्कर मैंने यहाँ पर लगभग 1 कटोरी ली है। खीर थोड़ी मीठी अच्छी लगती है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसे चम्मच चलाते हुए हमें शक्कर को पकने देना है इसके साथ। अब पारी है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। जब मलाई से घी निकाला जाता है तो बाय प्रोडक्ट बेरी बचती है। ये देखिए, ये है बेरी। अगर आप मलाई को रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र के अंदर स्टोर करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चेंज नहीं होता। यहाँ पर हमें लेना है 2 चम्मच भर के बेरी, जिससे हमने खीर बनाई, 2 चम्मच शक्कर और मलाई के ही साथ थोड़ा सा दूध लेना है। अब इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। ये देखिए, हमारा खोआ बनके तैयार है। अब खीर जब अच्छी तरह से पक जाए, आधा घंटा हो चुका है खीर को पकने के लिए, अब इसमें हम ये जो खोआ हमने बना के रखा है वो ऐड कर देते हैं और धीमी आंच में, बिल्कुल धीमी आंच में इसे हमें मिक्स करना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है, आंच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। खीर बनके तैयार है। अब देते हैं थोड़ा सा प्रकृति का स्पर्श। इसके ऊपर डालते हैं कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ, जिससे ये बहुत ही खुशबूदार बन जाएगी। पंखुड़ियों को हल्का सा डैप डैप कर देना है। बस हमारी खीर बनके तैयार है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। चलिए अल्लाह हाफिज़।